एवढा मोठा ना लहानचा असा लाल तुझ्या मोठा ठिकाणी एक स्टडी फ्रेम ठेवायची स्टडी फ्रेम मागं हो एक साईडला एका फोन एक स्टडी फ्रेम बस हलवायचं नाही फोन साखर नाही खायचं साखर नाही खात मी शुगर फ्री आहे सरळ फ्री आहे मस्त टिफिन अखंड पुढे पुणे दिन पुणे अक्षय संकेत आशय बस मी राहून जातो इथे जातो म्हणा जातो म्हणता थोडी माहित असं आपल्याला लाडकी बहिणीचे 500 रुपये ते का ते मस्त म्हणजे वापरत नाही दादा काय म्हणलं काही नाही चालत कामाचं नाही आलं खराब आहे कुठे पार्टनर येत ना याच्यातले मैं भी घर से निकल गया हूँ और हम लोग वी आर लिविंग फॉर मेरा नागपुर अभी मैं जा रहा हूँ तो नागपुर से मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए सुबह 12:30 बजे मैं दिल्ली पहुँचूँगा 16 के शाम को अराउंड 5-6 देन मेरी 17 को सुबह फ्लाइट है 4 बजे की सो इन्जॉय द जर्नी गाइस ये अपनी मिलेनियम एक्सप्रेस निज़ामुद्दीन तक जाएगी लास्ट ऑफ एर्नाकुलम टू दिल्ली 3rd AC मेरे कोच है B1 24 seat बज रहे हैं 17 तारीख लोग लग गए अभी 17 की सुबह है इट्स ऑलमोस्ट 1 बज रहे हैं सुबह का 4:50 को मेरी फ्लाइट है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से मेरी फ्लाइट है एतिहाद एयरवेज दिस इज मी फ्रेशन अप हुआ मेरी ट्रेन लेट हो गई जैसे मैंने बताया कि मेरी ट्रेन 6:45 को निज़ामुद्दीन पहुँच रही थी बट 10:30 हो गया मेरे को एयरपोर्ट से निकलता स्टेशन निकलते करते अच्छे 3:30 घंटा ऑलमोस्ट लेट हुए ट्रेन तो थोड़ा हड़बड़ाहट होगी नहाया फ्रेश हुआ और बस कपड़े चेंज किए नाउ
वी हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर टर्मिनल 3, ठीक है। सबकी सुबह 4-5 बजे के लिए मॉस्को के लिए मतलब रशिया के लिए मोस्टली आपको इंटरनेशनल फ्लाइट सब अर्ली मॉर्निंग ही मिलेगी आपको, 3-4 बजे ही सबकी फ्लाइट्स होती है। मेनली रशिया के लिए तो आपको सब 3-5 बजे ये टाइमिंग मिलेगा आपको। ऐसा टर्मिनल 1 के लिए अलग रास्ता है, 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, और इंटरनेशनल टर्मिनल जो भी आप ऐसे अब्रॉड मतलब देश विदेश जा रहे हो तो फिर आपको टर्मिनल 3 से ही पकड़ना पड़ता है, टर्मिनल 3 से आपका डिपार्चर होता है। सो मैं 1 से अंदर आ गया एंड देन आपको अपने टिकट पे जो बारकोड है वो शो करना पड़ता है, आई शोड द माय बारकोड, फिर मेरा पासपोर्ट मैंने दिखाया एंड उसके बाद में आपको आगे आपके गेट लगा रहता है उसमें आपको देखिए आपकी फ़्लाइट नंबर क्या है, ऐसी उसमें आपको देखिए कि आपका फ़्लाइट नंबर क्या है, आपका किस गेट पे वो है, आपका चेक इन है। जैसे मेरा अभी केप है तो मैं अभी केप पे जाऊँगा। सो जो ऐसे चार्ट बने होते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा तो मेरा 450 है एतिहाद एयरवेज के, चेक इन जारी, चेक इन स्टार्टेड ऑलरेडी, तो पर से चेक इन करूंगा के पे जाके। ये चेक इन है एतिहाद एयरवेज का, जैसे उस टाइम वो लोगों ने ऑनलाइन चेक इन नहीं किया, मैंने अपने एतिहाद में जाके वहाँ पे आप जिस भी ऐप से जैसे मैंने एक्जिगो से बुक किया था उसमें ऑनलाइन चेक इन का ऑप्शन आता है एक दिन पहले, सो मैंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया था, दैट आई डोंट हैव टू बी वेट इन दैट बिग लाइन। आपको बस अपना ऑनलाइन चेक इन आपका होके जस्ट यू हैव टू ड्रॉप योर लगेज एंड देन मूव ऑन फर्दर, तो आपको ऐसे चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑनलाइन कर लिया था जैसे। सो ये मेरा 1 पीस है 30 kg और 7 kg, ये ऐसे चेकिंग होता है हमारा, ठीक है। यहाँ तुमको वेट दिखता है लिखा हुआ, मेरा 30 का 1 पीस है मॉस्को से, मैं इसको स्प्लिट करूँगा 20+10 में। क्या डालू हटालू, ये आपका कैबिन लगेज है, ठीक है, या तो आप एक अलग बैग कैरी करो या ऐसा एक जैसे स्कूल बैग है वैसा ले लो। ठीक है, ऐसे आपका बैग का वेट होगा, इसमें फिर वो बारकोड के स्टिकर लगेंगे, ठीक है, एंड देन ये फिर आपको जहाँ तक जैसे मेरी एहतियात है तो मेरी ये मॉस्को तक है तो मेरे को डायरेक्ट मॉस्को मिलेगी, देन फिर मेरी अलग फ्लाइट है वैसे, ठीक है। सो ये मेरा 1 पीस चेक इन हो गया, ये मेरा कैबिन आपको अपने साथ रखना है, आपको यहाँ पे आके अपना पासपोर्ट देना है और अपना जो भी आपका टिकट होगा ऑनलाइन चेक इन अगर आपने किया होगा दैट, तो ये ऐसे बारकोड लगता है जो बोल रहे ना कि एक जैसे बच्चे का लगेज खो गया था, ठीक है, उसका पेंजा मिला तो इस टिकट से आपको जैसे पता चलता है, ठीक है, ठीक है। इस बैग में आपको लाइटर, पावर बैंक, बैटरी ऐसा कुछ भी आइटम नहीं रखना है, ठीक। यस, ड्राइड कोकोनट भी जैसे अलाउड नहीं है क्योंकि वो इन्फ्लेमेबल होता है, ठीक है, मेरा लास्ट टाइम निकाल लिया था तो सब्जी में टेस्ट नहीं आ पाया, ठीक है। तो जो लाइट और जो कैबिन लगेज इसमें आपको ऐसा पल्पी आइटम ऐसा नहीं रखना है। अबू धाबी गेट नंबर 8, बी देयर बिफोर 4:05 अबू धाबी मॉस्को, यू विल गेट योर लगेज एट फाइनल डेस्टिनेशन, थैंक यू। तो ये आपके बोर्डिंग पासेस है, जैसे मेरी दिल्ली टू अबू धाबी तो उसका एक और अबू धाबी टू मॉस्को, थैंक यू सर, थैंक यू। ये मेरा इमिग्रेशन, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है भाई, बैग सबमिट कर दिया, ये अभी इमिग्रेशन की लाइन है, ठीक है, देन वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन और फिर आप आगे अपने लाउंज वाउंज की तरफ जा सकते हो। आपके बोर्डिंग पास पे आपका गेट लिखा था, जैसे मेरे बोर्डिंग पास पे 8 लिखा था तो आप उस गेट से आपको एंट्री करके, ठीक। तो लाउंज का सीन में थोड़ा समझाता हूँ, तो मेरे पास SBI का वीज़ा का प्लेटिनम कार्ड है, ठीक है, SBI वीज़ा प्लेटिनम, जैसे आपको पता चल जाएगा गूगल पे कि T3 पे लाउंज कार्ड वाले में कौन से कार्ड चलते हैं, तो मेरे पास SBI का वीज़ा प्लेटिनम है, उसमें 2 रुपये कटता है, देन उसमें मतलब वो कार्ड वाले कार्ड के बेनिफिट से आप मान लो, तो थोड़ा मेरा लेट का फ्लाइट था तो उन्होंने कर दिया था क्लोज, ये है चिकन हरियाली, थोड़ा राइस, चपाती, ये थोड़ी पापड़ी चाट है और ये थोड़ी खीर है एंड दिस ये डाइट कोक है और स्प्राइट है, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट का लगेगा, उसमें आपको ब्रेड, बटर, जैम, मफिन ये सब मिलता है, ठीक है। तो पहले यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे, इस बनता है कि दबा के आखिरी बार इंडिया से निकला जाए।
लाउंज से अपने एग्जिट कर दिया, नाउ वी आर हेडिंग टू एक ले लास्ट, और वहाँ जाके पूरा डाइट करना है, फुल प्रॉपर ऐसा खाना नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं, ओनली बॉइल्ड ही चीज़ खाऊंगा मैं। अपना गेट नंबर 6, लेट्स गो। क्या बोलते आउटफिट, बैगी बैगी जीन्स, जेन जी, न्यू ट्रेंड्स गाइस। सो ये इस पे लिखा है 126 अपने जाना है, 12 अपने जाना है, 8 नंबर 4:50 को फ्लाइट टेक ऑफ है, 4 बजे गेट खुल गए, अभी हो गए 4:08, जाके अपने सीट पे बैठ के, ओ इतना खा लिया मैंने, बिरयानी खाई, फिर 3 रोटी, चिकन, चावल, चाट, केले, 2 मफिन, फुकट का मिला, फुकट का नहीं पर पैसे दे, लेकिन लाउंज एक्सेस क्या है, कार्ड पे होता है, सो 2 रुपये में जब इतना कुछ मिले तो आदमी, मेरा पेट से पूरा टाइट है, जैसे कुछ सुई मारेगा ना सुई, अब फट से फट जाएगा। सो लेट्स गो गाइस। से गेट लिखा होता है, ये 1:14 लिखा है, अपना है 8, मतलब अपने इधर जाना है एक्सट्रीम राइट में, तो मैं पापरे थक गया रे, मैं खा के रे, पूरा खा के थक गया, तो ऐसा ऑटोमेटिक चल सकते हैं, मैं भी चल रहा हूँ ऐसा नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा खा लिया मैंने, फक देख कर खा लिया नशा, और अभी भी रुके नहीं अपन, ये लेके आ गए 2 बॉटल पानी की, देखो किस साइड, इस साइड है या इस साइड है, देखो अभी मेरे पास थोड़ा ज्ञान देने का समय है, तो मैं ज्ञान दे देता हूँ, जो बच्चे भी जाएंगे फर्स्ट ईयर में, बहुत लोग बोलेंगे भाई मेरे ये कैब आएगा, इनविटेशन टिकट सब हो जाता है, मैं फर्स्ट टाइम नशे गया था 26 अक्टूबर को, अभी तो फिर भी सितंबर ही चल रहा है, घाई मत करो, सबका लिट रहा है, सबने पैसे भरे, जाओगे सब, अभी तुम बच्चे हो, तुमको बहुत जल्दी जाने की घाई है, जाना है जाना है जाना है, तुम सब लोग एक एक महीने पहले से पैकिंग कर लियो, ठीक है, बट ये सिचुएशन जो है, आप जब वहाँ पहुँच जाओगे फिर आप वापस आने के लिए तरसोगे इंडिया, आपको लगेगा कि इंडिया में जो लोग रहते हैं फुल टाइम कितने सुखी लोग हैं। आज मेरे को जाना था, मैंने लास्ट दिन अपना पैकिंग वैकिंग किया, सामान लाया, इतना मेरे को जान पे आता, मतलब मेरा मन नहीं करता छोड़ने का इंडिया। सो ये मैं तुमको चीज़ समझ रहा हूँ कि घाई मत करो, मैं बहुत उदास मन से जा रहा हूँ, मेरा लास्ट टाइम है, बहुत खुश हूँ कि मेरा 1 लास्ट टाइम है, बट तुमको समझा रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में तुमको बहुत ऐसी खुशी होगी कि जा रहे, उसके बाद से तुमको पता भी चलेगा कि भाई छुट्टियाँ ख़त्म होगी, इतने उतावलो मत हो मेरी जान, घर पे रहो, टाइम स्पेंड करो, जल्दी जाने की घाई मत करो, क्लासेस किसी की जल्दी चालू नहीं हो रही, हर जगह यूनिवर्सिटी में क्लासेस 25-30 अक्टूबर के बाद ही चालू होती है, तभी जब तक सब बच्चे आते हैं, तो ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो बस, बाकी अभी यहाँ से शायद आगे भी है लगता, बाकी कोई बच्चा जब भी आए एक स्लिंग बैग लेके आए, ऐसी बैग रहती है मेरे जैसे, तो ऑर्डर कर लिया कि मैं लाना ही भूल गया, दिल्ली मैंने ऑर्डर की थी, वहीं पे बैठा खाना खाया लेकिन मैं लाना भूल गया, सॉरी मेरा हाथ दुख रहा है, मैं यहाँ नहीं पकड़ सकता, बट ऐसी पैंट लाए जिसमें बहुत सारी जेबें हो, लूज़ कपड़ा पहनो, जूते वूते मत पहनो, भारी हो तो पहन लो, बट कभी भी एक चप्पल बैग में कैरी करो, ताकि फ्लाइट में बैठ पाओ, बाकी ऐसा मेरे को तो टाइट पसंद नहीं है, मैं बहुत ऐसा लूज़ पहनने शुरू कर दिया, क्या भयानक हाथ दुख रहा है मेरा बेकार, देख रहे हो अभी क्या लिखा है, 6, 8, 7, ठीक है, बापरे खाका के थक गया, चले गए मिलते गेट पे, 7 गेट नंबर, 9, 14 और 8 अपना है 8, आपको बाहर बोर्ड मिल जाएंगे, जैसे देखना मेरे को भी कहीं ना कहीं एहतियात का बोर्ड मिलेगा, बस बैठना है, जाना है देश छोड़ के,
वन लास्ट टाइम, ऐसा नहीं कि उसके बाद जाऊँगा नहीं, बट इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मैं जाऊँगा नहीं ऐसे। इंडिया इज़ बेस्ट गाइस, कभी याद रखना। मैं सेपरेट वीडियो कभी बनाऊँगा, बट इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, बना तो नहीं दी बेस्ट। हाँ वो पॉल्यूशन वॉल्यूशन ठीक है, बट अपने खाने पीने में हर चीज़ सस्ती है भाई, हर चीज़ सस्ती है, ठीक है। ये सब कनाडा वाले इस साइड ऐसे होते गेट्स, जैसे मैं दिखाता हूँ, मेरे टिकट पे 8 गेट लिखा हुआ, ठीक है। आपका सीट नंबर जो आपका बोर्डिंग पास है, दैट्स हाउ बोर्डिंग पास लुक्स, ऐसे बोर्डिंग पास होता है, ठीक है। तो देखो 8 नंबर जैसे गेट है, तो आपको देखते हुए आना है, बस हर जगह एयरपोर्ट पे लिखा होता है, कभी भी किसी घबराना नहीं है, ठीक है। हर जगह नंबर लिखे हुए होते हैं, तो यहाँ पे जैसे 8 लिखा हुआ है, तो फिर ये वाले अभी सीट नंबर वाइज क्लॉज कॉल करेंगे, दिल फिल द, सबसे जो पीछे की सीट है ना 55, 60, 70, ये वो पहले भरते हैं, ठीक है। पीछे सेटल कर दिया, उसके बाद में फिर 55 के बाद 35, 55, फिर 15, 25, ऐसे लाके लाते, ठीक है। सो जब भी किसी का बॉडी स्टार्ट हो जाए तुरंत आ जाए, पहला पहला साल है आपका, फर्स्ट ईयर है आपका, तो टाइम पास कब मत करना, जितना जल्दी हो सके यहाँ के बैठ जाना, ठीक है। किसी की फ्लाइट वेट ना छूट जाए बस, बाकी जैसे मैंने बोला कि आपको ऐसे बोर्ड मिल जाएंगे, जैसे देखो यहाँ एहतियात लिखा हुआ है, एहतियात लिखा है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा कि यहाँ एहतियात लिखा रहता है 4.50। तो नहीं तो आप किसी को पूछ पूछ के भी आ सकते हो। तो मैंने विंडो मांगी थी, विंडो अवेलेबल थी, लेकिन फिर मैम ने बोला कि सर आप जहाँ बैठ रहे हैं वहाँ बहुत ही बढ़िया लेग रूम है, तो मैम ने कर दिया कन्फ्यूज़। उस पर थोड़ी बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, मैंने बोला मैम छोड़ो आपके हिसाब से कर दो। मैम बोली कि सर लेग रूम ऐसा मिलता नहीं किसी को। मैं सोचा कि ठीक है लेग रूम वाला कर दो, विंडो वाला छोड़ देते। सो अपन यहाँ इस तरफ, यहाँ लगती फ्लाइट्स, ये होता है गेट आपका है। हाँ व्लॉगिंग कर रहा भाई, अच्छा मेरे को देखा है तुमका ओरल क्यों मेरे साइड वाली सीट डिक्लाइन नहीं हो रही, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। क्यों नहीं होगी सर आपकी, आपकी बिल्कुल होगी, आराम से दबाइए आप। सर के पीछे क्या आवाज़ है, जबरदस्त क्या आवाज़ है, लेग रूम क्या है गाइस, तो सो जाओगे इधर। Thank you.